स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर रनिंग में है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा आप लोगों का। और इसमें हमने रिवॉल्यूशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने सिखा दिए हैं। बैलेंस शीट इस साल आपकी नहीं आ रही है, इन 2020 का जो सिलेबस आया अभी रिड्यूस होगा उसके अंदर ही आपकी नहीं आ रही है। तो बच्चों, हमने एक क्वेश्चन लिया है टी एस ग्रेवाल का 2020 एडिशन के अंदर से, ये पेज नंबर 5.93 क्वेश्चन नंबर 59। ये हमने क्वेश्चन लिया है, आपको पहले एक्सप्लेन कर देंगे इसको, ठीक है। देखिए स्टार्ट क्या था ये क्वेश्चन के अंदर, एक आपकी बैलेंस शीट गिवन है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, यानी ए एंड बी आर द ओल्ड पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। देयर बैलेंस शीट इज स्टूड दैट, ये इनकी बैलेंस शीट है और उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। एडजस्टमेंट्स हैं रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल से रिलेट करते हुए। सबसे पहले दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। उसके बाद इन्होंने कंडीशंस बताई हैं कि आफ्टर द एडमिशन जो हो रहा है सी का, उसके बाद इन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें जो एडजस्टमेंट है। पहली है सी वॉज टू ब्रिंग 7500 एज एन कैपिटल, 7500 एज एन कैपिटल एंड 3000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। यानी सी का ही शेयर है, यानी वी हैव नॉट टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ सी, ठीक है। यहाँ मेंशन कर रखा है। फिर सबसे पहले जो हम अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, और ये तीनों ही एडजस्टमेंट हमारी रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेट करती हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%, यानी 5% से आपकी वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ हम एक छोटे से नोट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक, कि स्टॉक का अमाउंट कितने से रिड्यूस हुआ है। स्टॉक की वैल्यू यहाँ दे रखी है 10,000, और 10,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो 500 रुपीज़ हो जाते हैं। ये अमाउंट आपको रिवॉल्यूशन में डालना है। रिवॉल्यूशन के कहाँ जाएगा, ये डिक्रीज इन एसेट है, तो आपको ध्यान रखना कि क्रॉस पोस्टिंग होगी इधर से इधर रिवॉल्यूशन, यानी रिवॉल्यूशन के कहाँ जाएगा, ये डेबिट साइड में पोस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी 5% रिड्यूस हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी जो वैल्यू दे रखी है 17,500 दे रखी है, तो इसका अगर हम 5% निकालते हैं तो 0 से 0 5 5 25 2 5 35 7 3 5 8 8 7 5 आ गया। ये भी कहा जाएगा आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट किधर जाते हैं हमारे, रिवॉल्यूशन के डेबिट में। क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है रिवॉल्यूशन में इस तरीके से, ठीक है, और इंक्रीज होते तो सेम साइड जाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया जिसमें हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट आपको बनाना सिखाया। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट ऑन डेटर्स 375, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको ऑलरेडी क्रिएट करके दे रखा है, कितना है 375, और ये कहाँ जाएगा, ये भी आपका रिवॉल्यूशन के डेबिट में जाएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारी एक लाइबिलिटी होती है और ये लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। ना उसके बाद है बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग आपकी अप्रिशिएट कर रही है कितने से, 10% से, तो बिल्डिंग का 10% निकाल लेते हैं। बिल्डिंग का अमाउंट है यहाँ 25,000, और उसका हमने 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो गया 2500। अब जब ये इंक्रीज़ हो रही है, यानी एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो सेम साइड जाते हैं, इंक्रीज लाइबिलिटी हो या एसेट हो, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है बच्चों। ये एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने कई नोट्स बना लिए हैं, तो ये आपकी उसकी पोस्टिंग हो जाएगी आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर, ठीक है बच्चों। इसी के अकॉर्डिंग हम आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी है यहाँ पर, तो देखिए हम इसको सॉल्व कराते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनवाते हैं आपको, हमने नोट्स बना लिए थे यहाँ पे, तो आपको आसानी रहेगी सब कुछ। पर्टिकुलर अमाउंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे से पीछे कर कर भी, और अपनी बुक से भी देख सकते हैं टी एस ग्रेवाल से। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले बोला स्टॉक, स्टॉक का मैंने बताया था कि डिक्रीज हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है 5% से, तो वो आपका डेबिट साइड में आ गया टू स्टॉक 500, ठीक है। हमने आपको बताई थी लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट होती है, जब डिक्रीज होते हैं एसेट इधर होते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रॉस में जाती है, और जब इंक्रीज होते हैं सेम साइड जाती है। इसी तरीके से हमने निकाल लिया था प्लांट एंड मशीनरी आपका आया निकल के 875, इसका भी एक 5% रिड्यूस हो रही थी।
उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये भी हमारे डेबिट साइड में आएंगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 375। ना उसके बाद हमारा बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट हो रही थी, तो बाय बिल्डिंग वो हमारी क्रेडिट साइड में आ गई। कितने रुपए से हुई थी इंक्रीज़ है, 2500 से 10% इंक्रीज हुई थी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करेंगे, देखिए इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, दोनों साइड को देखते हैं। यहाँ 2500 है इसका टोटल, और इसका टोटल चेक करते हैं तो कितना होता है हमारा, देखिए 1750 होता है। ठीक है, 1750 रुपये, और हमें कितना चाहिए, 2500 चाहिए, तो कितने की कमी रह गई हमारी, 750 रुपये। देखिए इसका टोटल था 2500 रुपये, और इधर का जो टोटल आया इन तीनों का वो आया हमारा 1750 का। तो यानी 750 रुपये का ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। इस बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं हम टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए एंड बी, यानी जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:1 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को पीछे, वीडियो को बैक करके, 2:1 हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 750 को, तो ये 500 और ये आपका 250। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करना आता ही होगा सभी को रेशियो में। नाउ ये हो गया हमारा, इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इधर बना देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए ए बी और सी, ये तीन पार्टनर्स हैं हमारे, ए बी और सी। देखिए इस बच्चों, सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पार्टनर्स हैं उनकी पुरानी कैपिटल डालते हैं, बाय बैलेंस बी डी। यानी ए और बी की जो ओल्ड कैपिटल थी वो 15,000 एंड 10,000 थी, जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी हेड के अंदर दी हुई है आपकी, तो 15,000 एंड 10,000। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है आपकी जो एडजस्टमेंट शुरू हो रही है उसमें सबसे पहले बोल रखा है कि सी वॉज ब्रिंग 7500 एंड कैपिटल, यानी कैश के फॉर्म में ला रहे हैं वो 7500 रुपीज़, तो वो उसके कैपिटल में चले गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए आपको जो प्रॉफिट हुआ था, ये प्रॉफिट होता है डेबिट से चला जाता है क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की, ये भी क्रॉस पोस्टिंग हुई बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये हो गया आपका 500 एंड 250। एक चीज़ हमने भूल गई थी, गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने काफ़ी वीडियोस के अंदर सीखा है, और यहाँ एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है, जब गुडविल कैश में लाई जा रही है तो गुडविल आ रही है 3,000 रुपये, यहाँ बोल रखा है कि सी का शेयर है, तो यहाँ हमें कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3,000 रुपये गुडविल लाया है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी ए एंड बी में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, और इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगा हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो हम इसको 3,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 के अंदर बाय प्रीमियम ऑन गुडविल के नाम से, तो ये आ जाएगा हमारा 2,000 और ये 1,000। ठीक है, सी में कुछ नहीं आएगा, चेकलिस्ट का कोई भी आइटम नहीं था हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे आराम से इसको। देखिए यहाँ टोटल करते हैं, इसका टोटल हो गया 7500, इसका हो गया 11,250 और इसका हो गया 17,500। ठीक है बच्चों, अब इसको हम बैलेंस करते हैं इधर भी। इधर कुछ भी बैलेंस नहीं आया आपका, कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो हमें डिडक्ट करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे हम ऐसे ही डाल देंगे इसको। यहाँ लिख देंगे हम टू बैलेंस सी डी। ठीक है, 17,500, 11,250 एंड 7,500। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया है जिसमें हमने अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बताया। ठीक है, हमने क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 59 TS ग्रेवाल का, और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसमें आपने एक बहुत सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। ठीक है, तो ये हमने नोट्स बनाए थे पहले इसके, और ये लास्ट हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है निकल के। ठीक है, बैलेंस शीट इस साल हम बनाए है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो होती तो फिर ये अमाउंट आपका बैलेंस शीट में आगे जाता। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय।